गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई, कि आपके पास आपके लीनियर इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल्स, यानी आपके पास जो आपकी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में वो आपकी क्या है, वाई इज इक्वल टू 3x + 5। तो आपको बताना है कि आपके पास ये फॉलोइंग ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ट्रू है, कि इनका जो आंसर होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो x है, यानी यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आपने y आपके आंसर को जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो x है, अगर x को हमने जीरो लिया, कि अगर आपके पास जो x है उसको आप जीरो ले रहे हैं, तो आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 × 0 + 5। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 × 0 क्या होगा आपका, 0 0, हम जो 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5। यानी अगर आपने x को जीरो लिया तो y की वैल्यू क्या आपकी 5 है, अगर आप x को 1 ले रहे हैं तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 3 × x की जगह पर 1 रखेंगे +5, तो आपके पास क्या आएगा, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा +5, तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। यानी अगर आपका x 1 होगा तो आपकी y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। इसी टाइप से सेम वे में अगर आप x को 2 लेंगे तो y क्या आएगा आपके पास, 3 × x की जगह क्या रखेंगे, 2 + 5, 3 × 2 = 6 + 5, तो क्या होगा आपके पास, 11 आएगा। यानी अगर आपके पास आपका x होगा वो 2 होगा, तो आपके पास जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 11 आएगी। सिमिलरली वी कैन फाइंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी इसी टाइप से आप जो x की वैल्यू है उसको और पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू और डिफरेंट मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूशन होगा, जो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 5 है, उसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या सॉल्यूशन होंगे आपके पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि आपके पास जो इक्वेशन है इनके क्या करने, आपने 4 क्या बताने, सॉल्यूशंस बताने, राइट 4 सॉल्यूशंस। तो आपके पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है आपके पास, 2x + y = 7, तो इसके जो आपने 4 सॉल्यूशन बताने, तो आपको क्या करना है, x को पुट करना है, कि जो आपके पास फर्स्ट है वो क्या है, x अगर आपका 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 × 0 + y = 7, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 0 + y करेंगे तो y = 7। यानी आपका 1 सॉल्यूशन तो क्या होगा, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। सेम टाइप से अगर आपके पास x को आप 1 लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, यानी 2 × 1 + y = 7, तो जो ये आपका 2 × 1 क्या होगा, 2, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 7 - 2 = 5। यानी यहाँ पर अगर आपका x 1 है तो y आपका क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। अगर आपके पास x को सेम टाइप से आप क्या लेंगे, 2 लेंगे, x को क्या पुट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, 2 × 2 + y = 7, यानी 2 × 2 = 4, और 4 इधर अगर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आई वो क्या आएगी, 7 - 4 = 3। यानी अगर आपका x 2 होगा तो y की जो वैल्यू आई वो क्या आएगी आपकी, 3 आएगी। सेम टाइप से अगर आपके पास आपके 3 सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3,
जब फोर सॉल्यूशन होगा आपका, एक्स को आपने क्या लेना है, फोर लेना है। तो अगर एक्स की वैल्यू को आप फोर लेंगे तो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टू, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, थ्री लेंगे। आप थ्री फोर फाइव जीरो माइनस वन माइनस टू कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, टू इंटू थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, यानी टू और थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सिक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन। तो वाई की वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेवन माइनस सिक्स, यानी सेवन माइनस सिक्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, वन आएगी। यानी अगर आपने एक्स को थ्री लिया तो आपकी वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। तो यहाँ पर आपके पास ये फोर सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के, एक्स जीरो होगा तो वाई क्या होगा, सेवन होगा। एक्स अगर वन होगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, फाइव आएगी। एक्स अगर आपका टू होगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी। एक्स अगर आपका थ्री होगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। सेम टाइप से आपके पास जो सेकेंड पार्ट है उसको देखेंगे आप, कि आपके पास क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन। तो यहाँ से आपके पास अगर आप एक्स को जीरो लेंगे तो आपके पास क्या होगा, पाई इंटू जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, यानी ये आपका जीरो हो जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, नाइन। तो जो आपका एक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्स जीरो होगा तो वाई क्या होगा, नाइन होगा। सेकेंड आपको सेम टाइप से एक्स को वन ले लीजिए आप, तो पाई इंटू एक्स की जगह वन रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये पाई इधर प्लस का उधर करके हो जाएगा माइनस का। तो यानी आपके पास क्या होगा, यहाँ पर नाइन माइनस पाई, यानी आपके पास अगर एक्स आपका वन होगा तो जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नाइन माइनस पाई होगी। सेम टाइप से आप एक्स को क्या लेंगे, टू लेंगे। अगर एक्स की वैल्यू को आप टू ले रहे हैं तो वाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, यहां पर आपने क्या करना है कि पाई इंटू टू, यानी एक्स की जगह पर आपने क्या रखना है, टू रखना है। तो पाई इंटू टू प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन। तो वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वाई इज इक्वल टू, यानी जो आपका टू पाई है इधर प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो नाइन माइनस टू पाई, यानी आपके पास अगर एक्स टू होगा तो जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नाइन माइनस टू पाई। नेक्स्ट आपके पास अगर इसका क्या है, एक्स को आप थ्री लेंगे तो आपके पास पाई इंटू थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन। आपके पास क्या होगा, थ्री पाई प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, नाइन माइनस थ्री पाई। यानी ये आपके पास इस इक्वेशन के क्या है, फोर सॉल्यूशंस है। सेम टाइप से आपका जो थर्ड इक्वेशन है आपके वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू फोर वाई। यानी यहाँ पर अगर आप x को जीरो लेंगे तो आपके पास, सॉरी यहाँ पर y को जीरो पुट कर लीजिए, आप x को ले लीजिए। अगर x को जीरो लेंगे तो आपके पास क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू फोर वाई, और y की वैल्यू भी क्या जाएगी आपकी, जीरो। अब सेकेंड क्या है आपके पास, अगर आप x को क्या लेंगे, वन लेंगे, x को क्या लेंगे, वन, तो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू वन, क्या आएगा, वन इज इक्वल टू फोर y। तो y की वैल्यू क्या आएगी, फोर मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो क्या आएगी, वन बाई फोर आएगी, क्या आएगी, वन बाई फोर। सेम टाइप से आप x को क्या लेंगे, टू लेंगे। अगर x को आप टू लेंगे तो क्या होगा, टू इज इक्वल टू फोर वाई। तो आपके पास क्या होगा, y की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, फोर डिवाइडेड बाई, सॉरी टू डिवाइडेड बाई फोर, क्योंकि ये फोर इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो आपके पास क्या आएगी, टू अपॉन फोर, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, क्या आएगा आपके पास, वन बाई टू। यानी एक्स की वैल्यू को अगर आप टू लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वन बाई टू आएगी। सेम टाइप से अगर आप एक्स को क्या लेंगे, थ्री लेंगे, तो क्या होगा आपके पास, थ्री इज इक्वल टू फोर वाई, और वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, थ्री अपॉन फोर, क्योंकि जो आपका फोर क्या है, मल्टीप्लाई में वो कहाँ आएगा, थ्री के डिवाइड में आएगा। तो आपके पास जो आपकी वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, थ्री अपॉन फोर आएगी। यानी यहाँ पर भी आपके पास फोर सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, वो क्या है, एक्स जीरो वाई जीरो। एक्स अगर वन है तो वाई क्या है, वन बाई फोर है। अगर एक्स आपका टू है तो वाई की वैल्यू क्या है, वन बाई टू। अगर एक्स आपका थ्री है तो वाई की वैल्यू क्या है, थ्री बाई फोर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। यानी आपके पास जो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर जो इक्वेशन है, इसके जो ये नीचे गिवन है, इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, विच आर नोट।
तो आपको यहाँ पर चेक करके बताना है, तो जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास वो क्या है, जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, और आपके पास क्या है, जीरो इंटू टू। तो यहाँ पर आपको अगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को चेक करना है तो आपको क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, आपकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स का है और जो सेकेंड है वो किसका है, वाई का है। तो आपको एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो, यानी जीरो माइनस टू इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, टू इज इक्वल टू फोर। जीरो माइनस टू टू जब फोर इज इक्वल टू फोर, तो माइनस फोर क्या फोर के इक्वल है आपका, माइनस फोर आपका फोर के इक्वल नहीं होगा। तो आपकी जो एल एच एस है वो किसके इक्वल नहीं होगी, आर एच एस के इक्वल नहीं होगी। अगर आपकी एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं होगी तो जो फर्स्ट वाला है वो इक्वेशन का क्या नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। सेम टाइप से आपको सेकेंड को चेक करना है, जो सेकेंड है आपके पास वो क्या है आपका, टू इंटू जीरो, और सेम आपके पास इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। तो आपको एक्स को टू रखना है और वाई को क्या रखना है, जीरो। टू माइनस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू फोर। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, टू माइनस टू इंटू जीरो, जीरो इज इक्वल टू फोर, टू इज इक्वल टू फोर। क्या आपके पास टू फोर के इक्वल है, तो बेटे ये आपका फोर के इक्वल नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर भी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो किसके इक्वल नहीं होगी, राइट हैंड साइड यानी एल एच एस होगी, वो आर एच एस के इक्वल नहीं बनेगी। तो आर एच एस के इक्वल नहीं होगी तो आप क्या कहेंगे, सेकेंड भी जो आपका है वो सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का। सेम टाइप से आपको किसको चेक करना है, थर्ड को चेक करना है। जो थर्ड है आपके पास क्या है, इक्वेशन आपकी सेम एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है, फोर इंटू जीरो। तो x आपका 4 होगा, y आपका क्या होगा, 0 होगा। इस इक्वेशन में वैल्यू को आप पुट करेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 4। यानी आपने वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है x और y को। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास यहाँ पर आपका 4 4 के इक्वल है, तो मींस आपकी जो एल एच एस है वो किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये आपका जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। यानी 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। सेम टाइप से आपको नेक्स्ट को चेक करना है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, रूट टू कोमा फोर रूट टू। तो ये आपका एक्स होगा, ये आपका क्या होगा, वाई होगा। अब आपके पास सेम टाइप से आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, और एक्स की जगह आपको क्या रखना है, रूट टू को रखना है, माइनस टू इंटू, और वाई की जो वैल्यू वो क्या है आपकी, फोर रूट टू इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर आपके पास रूट टू माइनस फोर टू जो एट रूट टू इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर इसके आगे आपका क्या है, वन है। तो यानी एट आपके पास क्या है, माइनस का, और वन का है आपके पास प्लस का, दोनों का बेस क्या है, रूट टू है। तो आपको क्या करें, एट में से वन को माइनस करेंगे क्या आएगा, सेवन आएगा, सेवन रूट टू। और आपके पास साइन किसका है, यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस सिंबल आएगा इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास माइनस सेवन रूट टू फोर की इक्वल नहीं होगा, तो आपकी जो एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका ये है ये सॉल्यूशन नहीं होगा इस लीनियर इक्वेशन का। सेम टाइप से आपके पास जो फिफ्थ है उसमें क्या करना है आपको, जो ये है आपका एक्स का, ये है आपको वाई का, यानी एक्स और वाई के वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो आपके पास एक्स की जगह वन रखेंगे, वाई की जगह क्या रखेंगे, टू इंटू वन इज इक्वल टू फोर। यानी आपके पास 1 माइनस टू इज इक्वल टू 4, तो माइनस वन इज इक्वल टू 4। क्या माइनस वन है वो 4 के इक्वल है, तो इक्वल नहीं होगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं बनेगी। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी तो आप क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का। यानी जो आपकी ये गिवन इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, इसका 1 एंड 1 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4।
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इफ एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू वन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी ये आपके पास इक्वेशन है, इसके यहाँ पर आपको टू सॉल्यूशन गिवन है, एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू वन, ये क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है। अगर ये सॉल्यूशन गिवन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपके सॉरी यहाँ पर आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपके पास जो ये गिवन है ये क्या है, सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपके पास अगर सॉल्यूशन होगा तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी तो आपको क्या करना है, टू और वन को पुट करना है और इस इक्वेशन का यूज करना है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू के। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर आपको क्या करना है, टू इंटू एक्स की जगह क्या रखना है आपने, टू प्लस थ्री इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, वो रखेंगे इज इक्वल टू के, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर आपका सिंबल इज इक्वल टू आएगा, टू टू जा फोर प्लस थ्री वन जा थ्री इज इक्वल टू के। तो थ्री और फोर को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेवन इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेवन आएगी। जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेवन आएगी। तो यहाँ पर आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और जो के की वैल्यू आई वो आपकी क्या आई है, सेवन आएगी। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।